गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा दो विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ एक भाषा और व्याकरण का पुनरावर्ती कार्य कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ एक भाषा और व्याकरण का रिवीजन करेंगे। भाषा, भाषा क्या है बच्चों? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि क्या होती है भाषा? भाषा वो माध्यम है, वो तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी बात को या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। तो क्या है भाषा? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर उसको समझते हैं। इसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। बच्चों द्वारा कविता, कहानी, गाना आदि सुनना व सुनाना मौखिक भाषा के रूप हैं। यानी मौखिक भाषा के बच्चों द्वारा कविता सुनाना, कहानी सुनाना या गाना सुनना और या सुनाना, ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो क्या होती है मौखिक भाषा? मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। यानी कि बोलने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है। नंबर टू है लिखित भाषा। लिखित भाषा वो भाषा होती है जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। यानी कि हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं या फिर दूसरों के विचारों को पढ़कर उसको समझते हैं, तो वो लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। कहानी लिखना, पत्र लिखना, प्रश्न उत्तर लिखना आदि भाषा के लिखित रूप हैं। कौन कौन से होते हैं लिखित रूप? कहानी लिखना, पत्र लिखना या फिर प्रश्न उत्तर लिखना आदि, ये भाषा के लिखित रूप होते हैं। फिर है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। यानी कि भाषा को सही ढंग से बोलने के लिए या लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के तीन अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे अक्षर भी कहते हैं। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। क, प, न, ज आदि वर्ण हैं।
वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे वर्ण के अलावा अक्षर भी कहते हैं, और इसे और छोटा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पहले ही बहुत छोटा होता है, सबसे छोटी इकाई है, तो इसे और छोटा नहीं कर सकते। क प न ज आदि वर्ण हैं। नेक्स्ट है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे पवन, सावन, भारत आदि। और शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 3 वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे हम सब भारतवासी हैं, तुम क्या कर रहे हो? लिपि। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की जो विधि होती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, और इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसकी लिपि रोमन है। और अंग्रेजी जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसकी लिपि रोमन है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुसार राजभाषा स्वीकार किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसको 14 सितंबर 1949 को संविधान के, हमारे देश के संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में आपको पाठ 2 याद करना है। गृह कार्य में आपको पाठ 2 याद करना है। धन्यवाद।